ग्रो स्टॉक मार्केट का तेजी से बढ़ता हुआ स्टॉक ब्रोकर। अपने सिंपल यूजर इंटरफेस और कम चार्जेस की वजह से ग्रो के यूजर्स काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने हमेशा ग्रो एप्लीकेशन ही रिकमेंड किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आप ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको 2021 में ग्रो एप्लीकेशन यूज करने का कंप्लीट डेमो दिखाने वाला हूँ। इससे आप ये भी जान जाएंगे कि ग्रो एप्लीकेशन में स्टॉक्स बाय सेल कैसे किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रो एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट करना काफी सिंपल है। जस्ट आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करनी है, पैन कार्ड नंबर डालेंगे, कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे, इसके बाद अपनी बैंक डिटेल्स डालेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपको अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी देखना है तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ग्रो एप्लीकेशन कैसे यूज करना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रो एप्लीकेशन एंड्रॉइड के लिए प्ले स्टोर से और आईफोन के लिए ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन ओपन करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने सिंपल सा यूजर इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं 3 टैब्स दी गई हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड। ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक करेंगे। ग्रो एप्लीकेशन में 5000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स दिए गए हैं जिनमें आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको 1% तक का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है। इसमें कलेक्शन बनाया गया है जैसे कि हाई रिटर्न्स वाले, टैक्स सेविंग वाले, एफडी से अच्छे टॉप कंपनीज, एसआईपी विद 500 जिनमें आप 500 की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, और सेक्टर वाइज तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड चुनेंगे और उसमें आप मंथली एसआईपी या वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप गोल्ड पर क्लिक करेंगे और यहां से आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको इंडेक्स मिल जाएंगे जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है और सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती है। इन्हीं से पता चल जाता है कि आज मार्केट का क्या मूड है। नीचे आपको वो स्टॉक्स मिल जाते हैं जो न्यूज में है, आप इनको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ये टॉप गेनर्स हैं, इनको आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, और नीचे यहाँ पर ये टॉप लूजर्स हैं जो आज काफी गिरे हैं, इनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कोई आईपीओ ओपन है तो आप आईपीओ पर क्लिक करके यहीं से आप आईपीओ के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आप सीधे यहां उस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, या फिर आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे आईआरसीटीसी के स्टॉक्स बाय करने हैं तो मैं यहां पर डालूंगा आईआरसीटीसी फॉर एग्जांपल, तो आपके सामने यहाँ पर कंपनी का नेम आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कंपनी ने पिछले एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, तीन साल में, पांच सालों में कितना रिटर्न दिया है, और साथ ही नीचे आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। नीचे आप मार्केट डेप्थ, इसके फंडामेंटल्स और साथ ही कंपनी के बारे में जान सकते हैं, कंपनी क्या करती है, और आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर आप इसको बुकमार्क भी कर सकते हैं, यहाँ से अब ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। स्टॉक्स बाय करने के लिए आप बाय पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप चूज कर लेंगे आपको डिलीवरी चाहिए या इंट्राडे। जैसे कि यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ डिलीवरी। अगर आप स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहते हैं तो आप डिलीवरी चूज करेंगे, अगर आपको आज बाय करके आज ही सेल करना है तो उसको कहा जाता है इंट्राडे, उसके लिए आप इंट्राडे चूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर डिलीवरी चूज कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसको होल्ड करके रखूंगा। नीचे आप चूज कर लेंगे किस स्टॉक एक्सचेंज से आप इसको बाय करना चाहते हैं, इसमें मैं एनएसई चूज कर लेता हूँ। प्राइस में आप चूज कर लेंगे लिमिट, अगर आपको एक लिमिट पर बाय करना है, और यहाँ पर आप फिर प्राइस डालेंगे किस प्राइस पर आप इसको बाय करना चाहते हैं, और अगर आप मार्केट प्राइस पर बाय करना चाहते हैं, मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है, तो आप यहाँ पर मार्केट चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप क्वांटिटी डालेंगे कितने स्टॉक्स आप बाय करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बाय करना चाहता हूँ 2 स्टॉक्स, तो मैं यहाँ पर 2 डाल दूंगा। इसके बाद यहाँ ऐड मनी टू बाय पर क्लिक करेंगे, आपको पैसे ऐड करने होंगे स्टॉक्स बाय करने के लिए, तो मैं ऐड मनी टू बाय पर क्लिक करूंगा। जितना अमाउंट आपको ऐड करना है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे 3000 रुपीज ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पर 3000 डाल दूंगा। इसके बाद कंटिन्यू। पैसे आप इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई आईडी दोनों से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं इंटरनेट बैंकिंग से ऐड करना चाहता हूँ तो नेट बैंकिंग चूज करूंगा,
और पे पर क्लिक करूंगा। जो भी बैंक आपने लिंक किया हुआ है ग्रो एप्लीकेशन से, उसी की नेट बैंकिंग पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप यूजर आईडी पासवर्ड डालकर कंटिन्यू करेंगे। बैंक की तरफ से आपके पास एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फंड सक्सेसफुली एड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बैलेंस में 3000 रुपीज एड हो चुके हैं। तो जितना बैलेंस आपने एड किया है उतने ही आप स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक स्टॉक डाल देता हूँ और इसके बाद बाय पर क्लिक करेंगे तो स्टॉक बाय हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बाय कंप्लीट। सो इस तरह से आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। जैसे कि इंफोसिस का स्टॉक बाय करना है तो यहाँ पर टाइप करेंगे इंफोसिस लिमिटेड और इसमें भी आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा। आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, नीचे आप इसके फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। स्टॉक बाय करने के लिए जस्ट आप बाय पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप डालेंगे क्वांटिटी कितना आपको बाय करना है और ऊपर आप टाइप में चूज कर लेंगे डिलीवरी या इंट्राडे। नीचे आप प्राइस चूज कर लेंगे, मार्केट प्राइस पर आपको बाय करना है या फिर आप बाय करना चाहते हैं एक फिक्स अमाउंट पर। तो जैसे कि मैं मार्केट प्राइस पर बाय करना चाहता हूं तो क्वांटिटी डालने के बाद सीधे बाय पर क्लिक करेंगे, स्टॉक बाय हो जाएगा। जितने भी आप स्टॉक्स बाय करते हैं नीचे आप डैशबोर्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें भी आपको 3 टैब्स दी गई है, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप गोल्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स अगर आपने बाय किए हुए हैं तो वो आप म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक करके उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। और अगर आपने स्टॉक्स बाय किए हुए हैं तो आप स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इसकी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे कि अभी हमने 2 स्टॉक्स बाय किए हैं, एक है IRCTC कंपनी का और दूसरा है इंफोसिस कंपनी का। तो यहीं पर आप देख सकते हैं टोटल आपने कितना इन्वेस्ट किया है और वो करंट कितना हो चुका है और टोटल रिटर्न में आप अपना प्रॉफिट या लॉस देख सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, अब 2 रुपए का हो गया है, 3 रुपए का हो गया है। तो जितना भी आपका प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको टोटल रिटर्न्स में देखने को मिल जाएगा। किसी भी कंपनी का स्टॉक अगर आप सेल करना चाहते हैं तो जस्ट आप उस पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बाय और सेल का। अगर आप और ज्यादा बाय करना चाहते हैं तो आप बाय पर क्लिक करके और भी स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। अगर आपको सेल करना है तो जस्ट आप सेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्वांटिटी डालेंगे कितना आपको सेल करना है और जस्ट सेल पर क्लिक कर देंगे तो आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितना इजी है स्टॉक को बाय और सेल करना। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सिर्फ एक स्टॉक बचा है जो कि मैंने इंफोसिस का बाय किया है। अब जैसे कि मुझे ये भी सेल करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ सेल पर क्लिक कर दूंगा, क्वांटिटी डालेंगे और सेल पर क्लिक कर देंगे तो ये भी यहाँ पर सेल हो जाएगा। सेलिंग में भी आपको मार्केट और लिमिट दोनों ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप मार्केट प्राइस पर सेल करना चाहते हैं तो आप मार्केट चूज करेंगे और अगर आप अपनी मर्जी के प्राइस पर सेल करना चाहते हैं तो आप लिमिट चूज करेंगे। स्टॉक का प्राइस जब उस लिमिट पर जाएगा जो आपने प्राइस डाला है तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। जैसे ही आप स्टॉक सेल करते हैं तो 80% अमाउंट आपके वॉलेट में आ जाता है और 20% अमाउंट होल्ड हो जाता है जो आपको अगले दिन मिलता है। ये सेबी का रूल है कि 80% आपको हैंड टू हैंड मिल जाता है और 20% होल्ड हो जाता है जो आपको अगले दिन मिलता है। अमाउंट देखने के लिए आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, अवेलेबल टू इन्वेस्ट पर आप देख सकते हैं कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल है, इससे आप और स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना है तो आपको 2 दिन का वेट करना होता है, 2 दिन के बाद आप इस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। अमाउंट विड्रॉ करने के लिए या बाकी डिटेल्स देखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको विड्रॉ का बटन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, जितना भी अमाउंट अवेलेबल होगा विड्रॉ करने के लिए वो आप यहां से विड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट आप विड्रॉ पर क्लिक करेंगे और जो भी बैंक अकाउंट आपका लिंक है ग्रो से उसी में ये विड्रॉ हो जाएगा। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके आप डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं 20% सेल अमाउंट लॉक्ड हो चुका है T+1 डे के लिए, यानी 1 ट्रेडिंग डे आपको वेट करना होता है, उसके बाद ही रिलीज हो जाता है और इससे भी आप स्टॉक्स बाय कर सकते हैं या आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। नीचे माई इन्वेस्टमेंट में आप ऑल ऑर्डर्स पर क्लिक करके अपने सभी ऑर्डर्स देख सकते हैं, आपने कितने स्टॉक्स बाय सेल किए हैं। और साथ ही ऑल SIPs पर क्लिक करके अगर आपकी कोई SIP चल रही है तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। रिपोर्ट्स पर क्लिक करके आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करके आप अपनी अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं। बैंक एंड ऑटो पे पर क्लिक करके जो बैंक आपने लिंक किया हुआ है वो आप देख सकते हैं और यहीं से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको एक नया बैंक अकाउंट ऐड करना है तो आप ऐड अनदर बैंक पर क्लिक करके एक नया बैंक अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं ग्रो के साथ। सो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप ग्रो एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।